So hey everyone, this is Sakshi and welcome back to our channel S for Success. So guys, this is my YouTube channel where you get all the educational videos of science, English and social science. So if you want my new videos then do subscribe to my channel. Okay, so आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही यूनिक सा पोएम एंड अ पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, सो ये पोएम जो है ये लिखी है ऑग्डन नैश ने एंड ऑग्डन नैश इज एन अमेरिकन राइटर. ठीक है, वो अमेरिकन राइटर है एंड ही ऑलवेज राइट्स अबाउट ह्यूमरस पोएट्री. वो हमेशा ह्यूमरस पोएट्री करते हैं और बहुत ही ऑड और यूनिक टाइप की पोएट्री करते हैं और इसी की वजह से वो इतने पॉपुलर है. ठीक है, सो ये तो हो गई पोएट की बात. तो अब बात करते हैं अपने पोएम के बारे में. सो आवर पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ओके, और ये जो पोएम है ये पोएम थोड़ी लंबी है एज कम्पेयर टू द अदर पोएम्स. ये पोएम थोड़ी लंबी है. ठीक है, अब लंबी क्यों है? क्योंकि ये पोएम एक बैलेड है. ओके, ये क्या है? ये एक बैलेड है. और बैलेड क्या होता है? सो बैलेड इज अ पोएम और अ सॉन्ग विच टेल्स अ स्टोरी. ठीक है, बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी सॉन्ग होती है या फिर एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कि एक पूरा का पूरा स्टोरी बताया जाता है. ठीक है, सो जैसे कि हमने अपने पुराने पोएम्स में देखा होगा कि हमें हमेशा लास्ट में एक मोरल मिलता है या फिर हमें लास्ट में हमेशा एक सीख मिलती है ना. पर ये जो हमारा पोएम है इसमें हमें एक स्टोरी पता चलेगी. ठीक है, एक पूरी की पूरी स्टोरी हमें जानने को मिलेगी इस पूरे पोएम में. ओके, सो क्या है हमारा ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम. So let's start. So now let's discuss our poem. तुम्हारी पोएम की फर्स्ट स्टैंजा है कि बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है बेलिंडा और वो एक वाइट कलर के हाउस में रहती है. ठीक है, बेलिंडा के पास ढेर सारे पेट्स होते हैं और उन्हीं पेट्स का जिक्र किया जाता है इस फर्स्ट स्टैंजा में. सो उसके पास कौन कौन से पेट है? सो उसके पास जो पहला पेट है वो है ब्लैक किटन. ठीक है, उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है. किटन का मतलब क्या है कि एक बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन. ठीक है, तो उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है. फिर उसके बाद क्या है? अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग. ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा उसके पास ग्रे कलर का माउस भी है और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग भी है. ठीक है, सो बेलिंडा बेसिकली एक लड़की है जो व्हाइट कलर की हाउस में रहती है और उसी के साथ उसके बहुत सारे पेट्स रहते हैं. सबसे पहले उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन रहती है, फिर उसके पास एक ग्रे कलर का माउस रहता है और फिर उसके पास एक येलो कलर का डॉग रहता है. ठीक है, फिर बोला गया एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. ठीक है, तो अब उसके पास इन तीनों पेट के साथ साथ एक वैगन भी होता है. अब वैगन क्या होता है? तो वैगन बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ व्हीकल व्हिच इज यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स. ठीक है, तो ये पिक्चर में देखो, इसको ये बोलते हैं वैगन. ओके, सो उसके पास एक रेड कलर की वैगन होती है और उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी होता है. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड समझ में आया. यहाँ पे बेलिंडा एक लड़की है जो व्हाइट कलर के हाउस में रहती है और उसी के साथ साथ उसके पेट्स भी रहते हैं. उसके पेट्स में कौन कौन से पेट्स है? उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, फिर एक येलो कलर का डॉग है और एक वैगन है और एक ड्रैगन भी है. उसके पास एक रेड कलर की वैगन है और एक ड्रैगन है. अब यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जो हमारी लास्ट लाइन है वहाँ पे लिखा गया है कि एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो ये जो वर्ड्स है रियलियो एंड ट्रूलियो, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कौन सा वर्ड्स यूज कर लिया गया, क्योंकि आज के पहले तो हमने ऐसे वर्ड्स सुने ही नहीं है. सो यहाँ पे पोइट ने इस पूरे पोएम को थोड़ा मेलोडियस बनाने के लिए, थोड़े अच्छे से हम इसको गा पाए, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स को रिप्लेस करके वैसे वर्ड्स यूज किए गए. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है रियलियो एंड ट्रूलियो, सो रियलियो मीन्स रियल एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रू. ओके, सो उसके पास एक ड्रैगन होता है और उसी के लिए बोला गया एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. ठीक है, सो ये स्टैंजा समझ आई. सो बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की. तो हमारे सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टैंजा. तो इसमें क्या बताया गया कि जैसा कि हमने अपने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि हमने बेलिंडा और उसके जितने टाइप के पेट्स थे उनको जाना था कि उसके पास कौन कौन से पेट्स हैं, लेकिन अब हमने सेकंड स्टैंजा में उन सारे पेट्स का नाम जानने वाले. ठीक है, कि वो बेलिंडा जो होती है वो अपने सारे पेट्स का नाम क्या क्या रखती है. ठीक है, तो क्या बोला गया फर्स्ट लाइन में कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. ठीक है, सो बेलिंडा के पास जो ब्लैक कलर की किटन होती है उसका नाम रहता है इंक. ठीक है, फिर बोला गया एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. ठीक है, और उसके पास वो जो चूहा होता है, वो ग्रे कलर का जो माउस होता है उसका नाम होता है ब्लिंक. ठीक है, फिर एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब जो वो येलो कलर का डॉग होता है उसका नाम वो रख देती है मस्टर्ड. ठीक है, मस्टर्ड क्यों? क्योंकि मस्टर्ड हमने देखा वो येलो कलर का होता है, तो इसलिए वो डॉग भी येलो रहता है, तो इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया जाता है. ठीक है, और जो ड्रैगन होता है उसका नाम वो रखती है कस्टर्ड. कस्टर्ड उसका नाम क्यों रखती है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कोवर्ड है. कोवर्ड का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा डरपोक है. ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोवर्ड। सो यहाँ पे बेलिंडा के सारे पेट्स का नाम बताया गया। सबसे पहले जो ब्लैक कलर की किटन थी उसका नाम है इंक, फिर जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम था ब्लिंक, फिर जो येलो कलर का डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड, और फिर वो जो ड्रैगन था उसका नाम रख दिया गया था कस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि वो जो कस्टर्ड था, वो जो ड्रैगन था, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, वो बहुत ज्यादा कावर्ड है। सो बात अपने थर्ड स्टैंजा पे, तो हमारे थर्ड स्टैंजा में क्या बोला गया कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो इस स्टैंजा में हमारे पास जो ड्रैगन था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या बताया गया उसके बारे में कि वो जो ड्रैगन था उसके बिग शार्प टीथ है, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। फिर बोला गया कि उसके पीठ पे स्पाइक्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देखो, हम सबने पिक्चर्स में देखा है ड्रैगन को कि ड्रैगन की पीठ पे क्या होता है कि उसके पीठ पे स्पाइक्स बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। तो जो ड्रैगन होता है वो अपने मुंह से आग निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि माउथ लाइक अ फायरप्लेस, फायरप्लेस वैसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे आग जलाई जाता है। ठीक है, तो ऐसी जगह को बोलते हैं फायरप्लेस। तो जो ड्रैगन होता है उसके माउथ को फायरप्लेस बताया गया, एंड चिमनी फॉर अ नोज। तो जो क्या होता है ना कि जब हम आग जलाते हैं तो उसका धुआं निकलता है, कहाँ से? तो उसका धुआं निकलता है चिमनी से। तो वैसे ही जब हमारा ड्रैगन जब आग निकालता है मुंह से अपने, तो उसका जो धुआं होता है वो निकलता है उसके नाक से। तो वो मुंह से आग निकालता है और नाक से धुआं निकालता है। ठीक है, फिर बोला गया एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो अब उसको बोला गया कि उसके जो पैर है उसमें डैगर्स लगे हुए, डैगर्स यानी कि जो नुकीली चाकू टाइप की ऑब्जेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं डैगर्स। तो उसका जो नाखून होता है तो उसको यहाँ पे डैगर्स से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो यही बताया गया हमारे पूरे स्टैंजा में कि जो ड्रैगन है उसके बिग शार्प टीथ है, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, उसके बैक पे, उसके पीठ पे स्पाइक्स लगे हुए हैं। फिर बोला गया कि वो मुंह से आग निकालता है और नाक से धुआं निकालता है। ठीक है, ये वहाँ हमारी थर्ड लाइन में कि माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। और फिर बोला गया कि उसके पास जो उसके पैर के जो नाखून है वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले हैं। ठीक है, डैगर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चाकू की तरह, जो बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट होती है, तो उनको हम बोलते हैं डैगर्स। ठीक है, तो ये स्टैंजा समझ आया। तो अब आते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा पे। सो हमारे फोर्थ स्टैंजा में बोला गया कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ bears and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe केस। ठीक है, तो इस स्टैंजा में क्या बताया गया कि जो हमारी बेलिंडा है, तो अब यहाँ पे ना बताया जा रहा है कि कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, किसके पास कितना ज्यादा ताकत है। तो अब बेलिंडा को बोला गया कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा जो है वो इतनी ज्यादा ब्रेव है जितने की एक बैरल फुल ऑफ बियर्स है। ठीक है, बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब कि बियर्स का मतलब तो यहाँ पे भालू से हो गया, और बैरल एक टाइप का सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हम एक बैरल में बहुत सारे बियर्स को भर दे तो एक जो भालू होता है उसके पास कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो अगर हम एक पूरे बैरल भर के बियर्स को रखे तो उतना ज्यादा ताकत है हमारी बेलिंडा के पास। ठीक है, तो यही बोला गया था हमारे फर्स्ट लाइन में कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, और फिर बोला गया कि एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तो अब बताया गया वो जो बिल्ली और चूहा है तो वो तो इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो लायन को ही भगा देते हैं। ठीक है, वो लायन को ही चेज करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि लायन एक हंटिंग एनिमल है, वो दूसरे एनिमल पे जाके हंट करता है, वो दूसरे एनिमल को जाके पकड़ता है, चेज करता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी ही दिखाई गई है। यहाँ पे वो जो चूहा बिल्ली है वो दोनों मिलकर लायन को पकड़ रहे हैं और लायन से डर के भाग रहा है। ठीक है, तो वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बोला गया कि मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस। सो अब मस्टर्ड के बारे में बोला गया, वो जो डॉग था उसके बारे में बोला गया कि मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, यानी कि मस्टर्ड तो इतना ज्यादा ब्रेव है जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है। रेस का मतलब कि गुस्से में होता है। सो मस्टर्ड को यहाँ पे बताया गया कि मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस। फिर कस्टर्ड के बारे में क्या बोला गया भाई कि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ सेफ केस। अब यहाँ पे फिर से कस्टर्ड को बताया गया कि कस्टर्ड बिल्कुल भी हिम्मत वाला नहीं है, वो एकदम डरपोक है। क्यों? क्योंकि वो एक सेफ सा केस, एक सेफ से पिंजरे की तलाश रहती है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबको कितना ज्यादा ब्रेव बताया गया, यानी कि जो सबसे पहले जो बेलिंडा थी वो तो इतनी ज्यादा ब्रेव है कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि अगर पूरे बैरल में हम बियर्स को भर दे तो वो उतनी ज्यादा ब्रेव है, उतनी ज्यादा उसके पास ताकत है, उतना ज्यादा उसके पास हिम्मत है। फिर वो जो चूहा और बिल्ली थे उनके बारे में बोला गया कि वो लायंस को ही चेज करते, वो दोनों ही मिलकर लायन को पकड़ते हैं, लायन उनको नहीं पकड़ता, वो दोनों मिलकर लायन को पकड़ते हैं। फिर बताया गया कि जो मस्टर्ड था वो तो इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो जितना ज्यादा एक टाइगर गुस्से में जितना खूंखार लगता है वो वैसा है। और यहाँ पे अब जो ड्रैगन है, जो असली में जो ब्रेव होना चाहिए, यानी कि जो हम ड्रैगन की जो इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है कि ड्रैगन तो देखने में कितना डरावना टाइप का लगता है, वो अपने मुंह से आग निकालता है, उसके स्पाइक्स होते हैं, जैसा कि हमने अपने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा कि ये सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं एक ड्रैगन के, और हमारे ये जो ड्रैगन था उसके भी यही सारी चीजें थी, बट स्टिल वो ब्रेव नहीं था, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, वो एकदम कोवर्ड था। ठीक है, और उसका हमेशा एक नाइस सा सेफ सा केस चाहिए होता था, ठीक है। वो उसको चाहिए था कि मुझे बस एक पिंजरे में रख दो जहाँ पे मैं सेफ रहूँ, ठीक है। तो यही था हमारा फोर्थ स्टैंजा। तो अब बढ़ते हैं आगे, सब आते हैं अपने नेक्स्ट आंसर पे। तो मैं नेक्स्ट आंसर में क्या बताया गया कि बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम पर्सिबल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रील योर ट्रू योर कोअरली ड्रैगन, ठीक है। तो इस आंसर में बताया गया कि जो बेलिंडा होती है वो उस ड्रैगन को टिकल करती है, टिकल यानी कि गुदगुदी करती है। और कैसे गुदगुदी करती है कि शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी अनमर्सीफुल का मतलब होता है कि बिना दया के। तो वो मतलब उसको ऐसे गुदगुदी करती है कि बिना दया के बस वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उस ड्रैगन को गुदगुदी करती है, उसको परेशान करती है। फिर बोला गया इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम पर्सिबल, जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है यानी कि वो जो चूहा बिल्ली और वो जो डॉग है वो उस ड्रैगन को पर्सिबल कहते हैं। सो पर्सिबल एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा सोल्जर था जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी पर वो युद्ध लड़ने नहीं गया था, पर वो जंग लड़ने नहीं गया था, ठीक है। तो वो था पर्सिबल। तो यहाँ पे ये जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उस कस्टर्ड ड्रैगन को पर्सिबल बुलाते हैं, ठीक है। फिर बोला गया कि दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रीलियो ट्रूलियो कोरली ड्रैगन, ठीक है। तो वो सब मिलके उस रेड वैगन में बैठे रहते हैं और उस रेड वैगन में बैठ के वो सब उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम हमें समझ आया कि क्या बोला गया कि जो बेलिंडा होती है वो उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से गुदगुदी करती है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसको बहुत ही रूडली तरीके से, बहुत ही ज्यादा बिना दया के, बिना काइंड वे में उसको गुदगुदी करती है ताकि वो खुद को एंटरटेन कर सके। और उसके जो पेट्स होते हैं इंक ब्लिंक और मस्टर्ड वो लोग उसको पर्सिबल कहते हैं। एट द सेम टाइम वो तीनों एक वैगन में बैठ के उस कस्टर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया था हमारे इस स्टैंजा में। तो बात अपने नेक्स्ट आंसर पे, तो हमारे नेक्स्ट आंसर में बोला गया कि बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। तो अब इसमें क्या बोला गया कि जो बेलिंडा होती है वो इतनी जोर से हंसती है जब तक कि पूरा घर नहीं हिल जाता, ठीक है। गिगलिंग का मतलब कि हंसना और शुक का मतलब पूरे घर को हिला देना, ठीक है। तो बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है उस ड्रैगन पे कि पूरा घर ही हिल जाता, ओके। सो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा तब तक हंसती है जब तक कि पूरा घर हिल नहीं जाता। फिर एंड ब्लिंक शेड विक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और वो जो ब्लिंक होता है वो भी विक बोलता है। विक क्या होता है? विक इज गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि जब जो एक चूहा जब हंसता है तो वो विक विक करके हंसता है। तो यहाँ पे वो जो ब्लिंक होता है वो भी हंस रहा होता है। किस पे हंस रहा होता है? तो वो इस कस्टर्ड ड्रैगन पे हंस रहा होता है। एंड इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो अब जब जब भी कस्टर्ड अपने लिए नाइस सेफ केज मांगता था, अपने लिए एक पिंजरा मांगता था, तो ये जो इंक और मस्टर्ड है ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे हमेशा उसकी एज पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि वो पिंजरा मांगता था अपने लिए, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम बड़े हो जाते हैं और हम कोई बच्चों वाली हरकत करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि हम अपने एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे होते, हम बच्चों की तरह बचपना दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों जो थे ये लोग भी उसका एज पूछते थे कस्टर्ड का जब भी वो अपने लिए नाइस सेफ केज मांगता था, ठीक है। तो ये आंसर समझ आ गया। क्या बोला गया? बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, ठीक है। तो यानी कि बेलिंडा तब तक हंसती है जब तक कि वो अपने पूरे घर को हिला नहीं देती है। उसके बाद वो जो चूहा होता है वो भी विक विक करके हंसता है, ठीक है। और विक क्या होता है? विक इज गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि जब एक चूहा हंसता है तो उसको हम लोग विक बोलते हैं, ठीक है। और वो जो इंक और मस्टर्ड थे वो लोग बहुत ही रूडली, बहुत ही अजीब तरीके से वो कस्टर्ड का एज पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, जब भी कस्टर्ड अपने लिए एक नाइस सेफ केज मांगता था, ठीक है। सो बात है अपने नेक्स्ट आंसर पे। तो हमारे नेक्स्ट आंसर में बोला गया कि सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्याउज क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। तो क्या बताया गया इस आंसर में कि अभी तक तो हमने देखा था कि हमारी ये जो स्टोरी है वो ठीक ठाक चल रही थी कि वो सारे पेट्स मिलके बस कस्टर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब आती है हमारी कहानी में एक ट्विस्ट। तो अब ट्विस्ट क्या होता है कि सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उनको एक साउंड सुनाई देता है, एक नास्टी सा साउंड। नास्टी यानी कि बिल्कुल भी अच्छा आवाज़ नहीं, ठीक है। सो उनको एक नास्टी साउंड सुनाई देता है। उसके बाद क्या होता है? एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। सो जो मस्टर्ड होता है, वो जो कुत्ता होता है, वो भौंकने लगता है। ग्रोल्ड का मतलब कि भौंकना। जब एक डॉग बहुत ही अजीब तरीके से भौंकता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोल, ठीक है। सो वो जो मस्टर्ड होता है वो ग्रोलिंग करने लगता है। एंड जब वो ग्रोल करता है, जब वो भौंकता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी वो लोग थे वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? म्याउज क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। सो वो जो बिल्ली होती है वो म्याउज म्याउज करने लगती है, ठीक है। सो क्राइड का मतलब यहाँ रोने से नहीं है, चिल्लाने से है। सो वो जो बिल्ली होती है वो म्याउज म्याउज करके चिल्लाने लगती है और जो बेलिंडा है वो भी ओह ओह करके एकदम डर जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। क्यों वो लोग ऐसे बिहेव करने लगते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ जाता है। पायरेट यानी कि वो जो जहाज को लूटता है, जो जहाजी लुटेरे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पायरेट। यहाँ पे इमेज में देखो तो इसको हम बोलते हैं पायरेट। हम सब ने कार्टून्स में देखा है ना। सो इसको हम बोलते हैं पायरेट्स। और यहाँ पे ये जो वर्ड है विंडा, तो इसका मतलब कुछ और नहीं होता, इसका मतलब है विंडो, ठीक है। सो हमारे पोएट ने इस पूरे पोएम को रिदमिक बनाने के लिए यहाँ पे विंडा वर्ड का यूज किया, ठीक है, ताकि हम इसको राइम कर सके। ओके, सो क्या होता है कि अचानक से उनके विंडो से एक पायरेट कूद के आ जाता है, एक पायरेट जंप करके आ जाता है, और उसकी वजह से वो सारे लोग घबरा जाते हैं। वो जो मस्टर्ड होता है वो भौंकने लगता है, सब इधर उधर देखने लगते हैं, फिर उनको देखता है कि एक पायरेट आ गया, और वो जो बेलिंडा है वो ओ ओ करके चिल्लाने लगती है, और वो जो बिल्ली थी वो म्याउच म्याउच करने लगती है, ठीक है। तो ये स्टैंजा समझ आया, तो बात हमने नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो मैं नेक्स्ट स्टैंजा में बताया गया कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज ओल्ड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। तो अब यहाँ पे पायरेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वो जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है। फिर बोला गया एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने दांत में एक कटलास ब्राइट का मतलब कि एक कर्व सी जो नुकीली सी चीज़ होती है, जो कर्व सी नुकीली सी चाकू होती है, उसको हम बोलते हैं कटलास ब्राइट, ठीक है। सो वो अपने दांत में कटलास ब्राइट को फंसा के आता है। और फिर बोला गया कि हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, एंड वन लेग वॉज ओल्ड, और उसका वो जो एक पैर था वो लकड़ी का था, ठीक है। फिर इट वॉज क्लियर डैट द पायरेट मींट नो गुड। तो ये सारी चीज़ें देख के पता चल रहा था कि ये जो पायरेट है ये अच्छी इंटेंशन से नहीं आया है, इसकी इंटेंशंस बुरी हैं, ठीक है। कैसे पता चला कि वो जो पायरेट था वो उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था, उसका राइट हैंड में भी पिस्टल था, फिर उसकी ब्लैक कलर की बियर्ड थी, उसकी ब्लैक कलर की दाढ़ी थी, उसका एक पैर लकड़ी का था, फिर वो उसने अपने दांत में कटलास ब्राइट लिया हुआ था, और ये सारी चीज़ें देख के पता चली थी कि वो जो पायरेट है उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ठीक है। सो ये स्टैंजा समझ आया, तो बातें अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर। सो बात हमने नेक्स्ट स्टैंजा में, तो हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया कि बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइंग येल्प, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वो पायरेट आ जाता है तो क्या होता है कि बेलिंडा एकदम डर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, और उसका जो चेहरा होता है वो पेल हो जाता है, पेल का मतलब कि फीका पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम डर जाते हैं तो क्या होता है कि हम डर के मारे हमारा चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेल हो जाना। वो जो बेलिंडा होती है उसका फेस पेल हो जाता है, और वो एकदम डर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन वो जो मस्टर्ड होता है वो डॉग होता है वो भाग जाता है। तो फिर क्या होता है कि इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, तो वो जो ब्लैक किटन थी, वो जो लिटिल ब्लैक किटन थी, वो भी हाउस होल्ड में भाग जाती है, वो भी जल्दी से भाग जाती है। यानी कि जैसे ही पायरेट आता है सब डर जाते हैं, तो जो बेलिंडा होती है वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, उसी के साथ साथ वो जो मस्टर्ड होता है वो भाग जाता है, और वो जो बिल्ली रहती है वो भी भाग जाती है, और जो छोटा सा चूहा रहता है एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, वो जो छोटा सा चूहा होता है वो भी अपने चूहे के बिल में घुस जाता है। यानी कि हमने टॉम एंड जेरी या फिर और भी सारे कार्टून्स में देखा है कि वो जो चूहा होता है वो उसका एक माउस होल्ड रहता है, यानी कि ऐसा इमेज में देखो, इसको हम बोलते हैं माउस होल्ड, यानी कि उस दीवार में एक चूहे का छोटा सा घर रहता है, तो वो जो चूहा होता है वो भी उस अपने घर में भाग जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया था हमारे इस स्टैंजा में। तो बात समझ आई, क्या बोला गया कि जैसे ही पायरेट आया वैसे ही वो बेलिंडा थी वो बहुत ज़्यादा डर गई, और डर के मारे वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, वो जैसे ही चिल्ला रही थी वैसे वो मस्टर्ड भाग गया, मस्टर्ड भागा तो फिर वो ब्लैक किटन भी भाग गई, और फिर वो जो माउस था वो भी अपने माउस होल्ड में चला गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में, तो उसको पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, ही वेंट एट हिज पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जैसे कि अभी तो हमने देखा कि सारे जानवर उसके पास जितने भी पेट्स थे वो सब डर के भाग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम एंट्री होती है कस्टर्ड की, ठीक है। तो कस्टर्ड आता है उस पायरेट के सामने, और कैसे आता है वो एक स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यानी कि जैसे कि जो ट्रेन की इंजन होती है वो जैसे आवाज़ देते हुए आती है, वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड होता है वो भी वैसे ही आवाज़ करते हुए आता है। फिर बोला गया कि क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और उसकी जो पूंछ होती है वो उसको उस तरह से बजाते हुए आता है जैसे कि जो अंडरग्राउंड जेल्स होती हैं जिसमें आयरन्स के बार्स लगे होते हैं, तो उसमें अगर हम कोई भी चीज को टकराएंगे तो कैसे आवाज आता है, तो उसी की तरह वो अपने पूंछ को हर चीज से टकराते टकराते जोर जोर से आवाज निकाल के आता है, ठीक है, वो कूद के आता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, क्लैटर एंड अ क्लैंक यानी कि जैसे कि जब भी हम बर्तन बजाते हैं, फिर जब भी हम मेटल्स की कोई ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में आपस में टकराते हैं तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लैटर एंड अ क्लैंक, तो वो अपनी पूंछ से क्लैटर एंड क्लैंक की आवाजें निकालता है। फिर बोला गया कि ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट वॉर्म, ठीक है, तो वो उस पायरेट पे इस तरह से झपट्टा मारता है, इस तरह से उस पर जाके हमला बोलता है जैसे कि रॉबिन एक वॉर्म पे, रॉबिन एक बर्ड होती है जो वॉर्म खाती है, ठीक है, वो कीड़े मकोड़े को खाती है, तो जब भी उसको कोई कीड़ा मकोड़ा मिलता है ना तो वो दूर से एकदम स्पीडली आती है और उसको पकड़ के लेके चली जाती है। तो वो जो ड्रैगन होता है वो भी उसी तरह से रॉबिन की तरह बिहेव करता है उस पायरेट पे। तो फिर हमें नेक्स्ट आंसर में बोला गया कि द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी मिट। तो इस टाइम में क्या बोला गया कि जैसे ही वो जो बेलिंडा का ड्रैगन उस पायलट पे हमला करने आ रहा था, उस पायलट पे उसको हार्म करने आ रहा था, तो पायलट बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। और डर के मारे वो क्या करता है कि वो अपने पॉकेट से एक ड्रिंक निकालता है, एक अल्कोहल टाइप की ड्रिंक होती है, और उसको वो निकालता है और वो उसको पीता है थोड़ा सा, ताकि उसको थोड़ी सी हिम्मत आए उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। और जैसा कि उस पायलट के दोनों हैंड में पिस्टल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो 2 बुलेट्स को फायर करता है उस ड्रैगन पे, ठीक है। तो जो बेलिंडा का ड्रैगन होता है उस पर वो 2 बुलेट फायर करता है, 2 गोलियां चलाता है, बट वो जो दोनों गोलियां थी वो उस ड्रैगन को नहीं लगती है, और ड्रैगन क्या करता है, तो ड्रैगन जल्दी जल्दी उस पूरे पायलट को खा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ ये समझ आया कि जैसे ही जो बेलिंडा का ड्रैगन था वो पायलट पे हमला बोलता है, तो पायलट बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। और उस डर के बारे वो ना एक अल्कोहल टाइप की ड्रिंक होता है उसको पीता है, और जैसे ही वो उसको पीता है वैसे ही उसको लगता है कि उसको थोड़ी हिम्मत आएगी, और फिर उसके पास जो पिस्टल्स होते हैं उसे वो 2 बुलेट फायर करता है उस पर, उस ड्रैगन पर, ठीक है। लेकिन वो दोनों बुलेट्स उस ड्रैगन को लगती नहीं है, और जैसे ही ड्रैगन को मौका मिलता है वो जल्दी जल्दी जाके उस पूरे पायलट को खा जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया हमारे इस स्टैंजा में। तो अब क्या होता है इसके आगे तो उसको पढ़ते हैं। तो बताए अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे, तो हमारे नेक्स्ट में बताया गया कि बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink and Glee did guide it around the dragon that ate the पायरेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि जैसे ही उस ड्रैगन ने पायरेट को खा लिया था, तो जो बेलिंडा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने ड्रैगन को हग कर लेती है, ठीक है, कस के गले लग जाती है उससे। फिर एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, तो वो जो डॉग था, जैसे कि हमें पता है कि जब डॉग खुश हो जाते हैं तो वो किसी को भी लिक करने लगते हैं, यानी कि चाटने लगते हैं, तो वो जो मस्टर्ड होता है वो ड्रैगन को लिक करने लगता है, चाटने लगता है। फिर वो लग गया नो वन मर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी को भी उस पायरेट के लिए दुख नहीं था, क्योंकि जैसे ही उस ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया था लेकिन उसका दुख किसी को भी नहीं था, सब उस बारे में भूल चुके थे और सब खुशी मना रहे थे। और फिर इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली डिड गाइडेड, ठीक है, यानी कि वो जो चूहा और बिल्ली थी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ग्ली का मतलब बहुत ज़्यादा खुश और गाइडेड का मतलब डांस करना, तो वो लोग खुशी से डांस कर रहे थे। एंड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी कि वो सब खुशी से उस ड्रैगन के अराउंड डांस कर रहे थे। वो जो बेलिंडा थी वो उस ड्रैगन को हग करी थी, जो मस्टर्ड था उसको लिक कर रहा था, और इंक एंड ब्लिंक उस ड्रैगन के अराउंड डांस कर रहे थे और सब इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। और किसी को भी इस बात का दुख नहीं था कि वो पायरेट मर गया या फिर उस पायरेट को हमारे ड्रैगन ने खा लिया, ठीक है। सो अब क्या बोला गया नेक्स्ट आंसर में, तो उसको पढ़ते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ठीक है, तो क्या बोला गया, तो अभी तो सब खुश थे, सब वो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उसके अराउंड डांस कर रहे थे। बट सडनली जो मस्टर्ड होता है, वो जो डॉग होता है, वो बोलता है कि अगर मैं डरा हुआ नहीं हो रहता तो मैं कस्टर्ड से दुगना ब्रेव में रहता, मैं कस्टर्ड से 2 ब्रेव रहता, ठीक है। तो ये वो क्या बोलता है कि आई वुड हैव बीन 2 एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब कन्फ्यूज होना। वो बोलता है, वो अपनी सफाई देता है कि अगर मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ होता ना तो मैं इस कस्टर्ड से डबल ब्रेव रहता, मैं इस कस्टर्ड से 2 ब्रेव रहता। तो उसी के अचानक से इंक और ब्लिंक वो दोनों बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि we would have been 3 times as brave as we think. वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी इससे 3 गुना ज़्यादा brave हैं, जितना कि हमें लगता है कि हम जितने brave हैं, तो ऐसा नहीं है, हम जितना सोचते हैं हम उससे भी 3 गुना ज़्यादा brave हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पे उस टाइम तो वो सब डर के भाग गए होते हैं, तो अब वो लोग अपने आप का जस्टिफिकेशन देते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि हम तो इससे ज़्यादा brave हैं। वो जो मस्टर्ड होता है वो बोलता है अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं इससे डबल ब्रेव होता। तो फिर वो जो चूहा और बिल्ली रहते वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जितना सोचते हैं ना हम लोग उससे भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा ब्रेव है, ठीक है। फिर हमारा वो जो ड्रैगन होता है वो क्या बोलता है कि एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो जो कस्टर्ड होता है उसको इस बात की बिल्कुल भी घमंड नहीं रहती है, वो बोलता है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आप लोग सब जो भी हो वो सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये बात समझ आई। ये पूरे स्टैंजा में क्या बोला गया कि जैसा कि अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, सब उस कस्टर्ड के अराउंड गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, वो जो बेलिंडा थी वो उसको हक करी थी, बट सडनली जो मस्टर्ड होता है वो जो डॉग होता है वो बोलता है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता ना तो मैं इस कस्टर्ड से डबल ब्रेव रहता, मैं इस कस्टर्ड से 2 ब्रेव रहता। फिर उसी टाइम वो जो इंक और ब्लिंक रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी जितना हम लोग सोचते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है। तो फिर हमारा कस्टर्ड बोलता है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप लोग तुम लोग जितने भी हो तुम लोग सब मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो, मैं सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ। तो यहाँ पे कस्टर्ड को बिल्कुल भी इस बात की घमंड नहीं रहती कि उसने उस पायरेट को भगा दिया या फिर उसने उस पायरेट को खा लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे 2 लास्ट आंसर्स में, तो उसको पढ़ते हैं। So, ये हमारे पोएम के लास्ट टू स्टैंजास। तो इसमें क्या बताया गया कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे पोएट ने बताया कि जो बेलिंडा है वो अभी भी अपने उसी व्हाइट हाउस में, अपने उसी लिटिल से व्हाइट हाउस में रहती है, अपने उन्हीं पेट्स के साथ जो उसके पास पहले से थे। यानी कि उसके पास कौन कौन से पेट्स थे? सबसे पहले थी उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन, उसके बाद उसके पास था एक ग्रे कलर का माउस, फिर उसके पास एक मस्टर्ड डॉग था एंड उसके पास एक रियल का एक ड्रैगन था। ठीक है, तो वो अभी भी अपने उन्हीं सारे पेट्स के साथ अपने उसी व्हाइट हाउस में रह रही है। तो यही बताया गया था हमारे इस स्टैंजा में। तो हमारे लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम में क्या बोला गया कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइट सेफ Kids. तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी पोएम एंड होती है, हमारी पोएम खत्म होती है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जो बेलिंडा है वो अभी भी उतनी ही ब्रेव है जितने की बैरल फुल ऑफ बियर्स। यानी कि एक पूरे बैरल में अगर हम बियर्स को भर दें तो वो अभी भी उतनी ही ज़्यादा ब्रेव है। और वो जो इंक और ब्लिंक थे वो लोग अभी भी उस लायन को भगा सकते हैं, वो लोग अभी भी उस लायन को चेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो मस्टर्ड है वो अभी भी उतना ही ज़्यादा डरावना है जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है। बट यहाँ पे कस्टर्ड अभी भी वैसा ही है जैसा वो पहले था, यानी कि अभी भी उसको एक नाइस सा सेफ सा कि चाहिए, उसको एक पिंजरा चाहिए रहने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा ये पूरा पोएम खत्म होता है। तो क्या बोला गया, तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो इस पोएम में बताया गया कि एक लड़की थी बेलिंडा जो एक व्हाइट कलर के हाउस में रहती थी अपने पेट्स के साथ। तो उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन थी जिसका नाम था इंक, एक ग्रे कलर का माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, एक येलो कलर का डॉग था जिसका नाम था मस्टर्ड, और उसके पास एक रियल का ड्रैगन था जिसका नाम था कस्टर्ड। और वो जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो बहुत ही ज्यादा कोवर्ट था, बहुत ज्यादा डरपोक था अकॉर्डिंग टू देम। यानी कि अकॉर्डिंग टू बेलिंडा एंड हर पेट्स वो जो ड्रैगन था वो बहुत ज्यादा कोवर्ट था। कोवर्ट का मतलब बहुत ज्यादा डरपोक था। तो क्या होता है कि वो सब मिलके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और उसी के दौरान क्या होता है कि एक दिन अचानक से उसके विंडो से एक पायरेट क्लाइम करके आ जाता है। पायरेट यानी कि वो जो जहाज को लूटते हैं, वो जो जहाजी लुटेरे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पायरेट। ठीक है, सो जो पायरेट आता है तो वो लोग सब डर जाते हैं। जो बेलिंडा होती है वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जो मस्टर्ड होता है, जो इंक और ब्लिंक होते हैं, वो सब डर जाते हैं और सब इधर उधर डर के भाग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम जो कस्टर्ड होता है वो आता है बेलिंडा के सामने, उस पायरेट के सामने, और उस पायरेट को खा जाता है। ठीक है, और वो अपना ब्रेवरी यहाँ पे शो करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो उस पायरेट को खा जाता है तो बेलिंडा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो उस अपने ड्रैगन को जोर से हक करती है। जो मस्टर्ड होता है, वो जो डॉग होता है, वो उस ड्रैगन को लिक करता है, और इंक और ब्लिंक उसके अराउंड खुशी से डांस करने लगते हैं। तभी वो लोग खुशी मना ही रहे होते हैं कि मस्टर्ड बीच में बोलता है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता और अगर मैं कस्टर्ड की जगह होता तो मैं इससे ट्वाइस ब्रेव होता, मैं इससे दुगना ब्रेव होता। तो उसके बाद इंक और ब्लिंक बोलते हैं कि हम जितना सोचते हैं हम उससे 3 टाइम ज्यादा ब्रेव है। यानी कि सब अपने अपने ब्रेवरी का एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। पहले तो जब वो पायरेट आता है तो वो सब डर के भाग जाता है, बेलिंडा को अकेले छोड़ के। वो जो चूहा होता है वो अपने बिल में चला जाता है, वो बिल्ली होती है वो भाग जाती है, वो जो डॉग होता है वो भी भाग जाता है। फिर कस्टर्ड आता है और वो बचाता है बेलिंडा को और वो उस पायरेट को खा जाता है। तो उसके बाद जब वो पायरेट को खा जाता है तो फिर वो लोग जब खुशी मना रहे होते हैं तो बीच में फिर मस्टर्ड बोलता है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना तो मैं इससे ज्यादा ब्रेव होता, मैं इससे 2 टाइम ज्यादा ब्रेव रहता। तो फिर वो जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम भी जितना सोचते हैं हम उसे 3 टाइम ज्यादा ब्रेव है। तो जो कस्टर्ड होता है वो यहाँ पे बोलता है कि हाँ, मैं तुम लोगों की बात से एग्री करता हूँ कि तुम लोग जो बोल रहे हो तुम लोग सही बोल रहे हो, कि मैं तुम लोगों से ज्यादा डरपोक हूँ, मैं तुम सबसे डरपोक हूँ और तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। तो यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको बिल्कुल भी अपने आप पे घमंड नहीं होता है, वो सबकी बात से एग्री करता है और बोलता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। ठीक है, फिर अभी भी फिर हमारे लास्ट आंसर में यही बताया गया कि जो बेलिंडा है वो अभी भी अपने उसी व्हाइट हाउस में रहती है अपने उन्हीं सारे पेट्स के साथ, यानी कि एक ब्लैक कलर की किटन, एक माउस और एक डॉग और अपना एक ड्रैगन। ठीक है, और वो अभी भी उतनी ही ज्यादा ब्रेव है जितना कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि जितने ज्यादा बियर्स ब्रेव होते हैं उतनी ज्यादा वो ब्रेव है। जो हमारा मस्टर्ड है वो अभी भी टाइगर इन रेस की जैसा है, यानी कि जब टाइगर गुस्से में होता है वैसा है। और जो इंक और ब्लिंक है वो अभी भी लायंस को भगाते हैं। ठीक है, तो वो लोग अभी भी उतने ही ब्रेव है। और जो कस्टर्ड है वो अभी भी एक नाइस सेफ केज मांगता है, एक नाइस सेफ पिंजरा मांगता है अपने लिए। सो यही था हमारा यूनिक सा इंटरेस्टिंग सा पोएम जो एक बैलेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आई होप आप सबको ये पूरा पोएम समझ आ गया होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।